Hi to all. Today we will study the function of municipal corporation in Odisha. The municipal corporation is always authorized to law passed by the legislature to administer over the subject which include in 12th schedule of the constitution. Those are first urban planning including town planning, second regulation of land use and construction of building, third planning for economic and social development, fourth construction of road bridges and their maintenance, five water supply for domestic, industrial and commercial purposes, six public health and sanitation, seventh provision on fire services, seventh public authority, protection of environment and promotion of ecological balance, nine safeguarding the interest of the weaker section of society including the handicapped and mental retarded, ten some improve and upgradation and etc. The municipal corporation function kon municipal corporation always law अच्छी जे से केवल माने जो लोटा लेजिस्लेचर रे पास है छि जे कॉन्स्टिट्यूशन ने 12 स्केड्यूल रे जहां सब अच्छी ता ऊपर से लॉ तैयार करबो तो को को ऊपर म्युनिसिपैलिटी लॉ तैयार कर परिबो सॉरी हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लॉ तैयार कर परिबो अर्बन प्लानिंग बा टाउन प्लानिंग रेगुलेशन ऑफ माने लैंड यूज औ कंस्ट्रक्शन ए सब ऊपर लॉ तैयार कर परिबो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई प्लान तैयार करि परिबो रोड ब्रिज ए सब तैयार करिबो ता मेंटेनेंस करिबो हम डोमेस्टिक पर्पस पाई माने घरे घर यूज पाई हमर कमर्शियल पर्पस पाई इंडस्ट्रियल पर्पस पाई वाटर सप्लाई करिबो पब्लिक हेल्थ आउ सैनिटेशन लोक मान को स्वास्थ्य केमिति भल रहबो सफा सफा सुथरा केमिति सब स्ट्रीट आउ सब रोड केमिति हेबो से सब पर भी से माने से सब भी से कर ता पई भी से नियम तैयार करि परिबो फायर सर्विसेज ता पर भी से माने ताको भी नियंत्रण करिबो ए सब होउछे मेन फंक्शन ऑफ हमर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो लेट अस डिस्कस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कौन से विषय के डिस्कशन करबा आई इट फ्रेम इट्स ओन बायलॉ फॉर प्रॉपर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पे बा प्रॉपर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पे से निजर बायलॉ तैयार करे निजर गोटे कार्य खसड़ा बा गोटे चिट्ठा तैयार करे II it imposes tax fine who violate the rule jo rule violate kare ba rule ko manne ni se ta pai fine be municipal corporation hi mane nirdharan kare third it recruits staff for the municipal corporation pai jo staff darkar ta ko be se recruitment kare ke municipal corporation nije hi kare IV it can purchase and sell land निज पई जागा किनिबा आ बिकिबा बे से निजे ही करे जे करि परिबो भी इट डिमोलिशेस द डिलैपिडेटेड एंड डेंजरियस बिल्डिंग एंड ब्रिजेस जो ब्रिज गुडा को बिल्डिंग गुडा को माने विपद संकेत माने विपदजनक भाबर अछि बा खरा भांगी जाय छि बा नष्ट हो जाय छि ताकु से भांगी परिबो डिमोलिश करि परिबो नेक्स्ट इट रजिस्टर बर्थ एंड डेथ जन्म आ मृत्युर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही दे परिबो इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर द क्रीमेशन ऑफ डेथ सर्व सत्कार करिया पय जो स्मशान दरकार सेटा कोर्ट हेबा दरकार केमिति हेबा दरकार ता अरेंजमेंट भी ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करे इट वेलकम द फॉरेन गेस्ट फॉरेन जो गेस्ट मन आसन ता वेलकम करे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
इट कलेक्ट्स डेटा एंड स्टैटिस्टिक रिगार्डिंग द सिटी सिटी उपर जहाँ डाटा दरकार स्टैटिस्टिक सब कलेक्ट करे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट द सिविक्स फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज कोटी बिल्डिंग तैयारी हे कौ यूज कौ लैंडटा केमी यूज हम कौटा पब्लिकली यूज हम कौटा पब्लिकली यूज हेनी ये सब डिसाइड करे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स एंड ब्रिजेस रास्ता घाट तैयारी कर ब्रिज तैयारी कर मेंटेन भी कर मेंटेनेंस भी कर। थ्री वाटर सप्लाई फोर सानिटेशन देन फायर फाइटर सर्विसेस निया लिभिया जो दरकार फायर सर्विसेस भी मेंटेन माने अरेंज कर। सिक्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सेवेन स्लम डेवलपमेंट एट मेंटेनेंस ऑफ पार्क एंड प्ले ग्राउंडस नाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ टेन प्रोवाइडिंग स्ट्रीट लाइटिंग लाइट स्टोरेज एंड बस स्टॉप्स पार्किंग एंड पब्लिक कन्वीनियंट सर्विसेस फॉर द पीपल यही सब सिविक्स फंक्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करे। देन सोर्सेस ऑफ टैक्सेस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोड़ कोड़ टैक्स ग्रहण करे। फर्स्ट टैक्सेस द टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इट कैन लेवी द फॉलोइंग टैक्सेस प्रॉपर्टी टैक्स टैक्स ऑन मान एनिमल एंड व्हीकल थिएटर टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट टैक्स ऑन सेल एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स ऑन बिल्डिंग प्लान एजुकेशनल टैक्स टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ये सब टैक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आदाय करे। कौन कौन आदाय करे प्रॉपर्टी टैक्स जमीबाड़ी जितनी जमीबाड़ी थी तार टैक्स तो मैंने सब दब आम टैक्स ऑन व्हीकल एंड एनिमल गाड़ी मोटर टैक्स पशुपक्षी टैक्स भी दब टैक्स फॉर थिएटर जहाँ थिएटर थी भी टैक्स दब से भाई एंटरटेनमेंट टैक्स तुम जदि कौन सी किसी गोटे ऑर्गेनाइज करुच ताकू भी म्युनिसिपालिटी को टैक्स देवाक पड़ो जदि तुम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन माने अंडर कौन सी कांथ बाड़े किसी एडवर्टाइजमेंट करा चाहौच तापी टैक्स दब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को से भाई बिल्डिंग प्लान करने टैक्स देवाक पड़ो तुमको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इलेक्ट्रिसिटी जब यूज करो तापी टैक्स तुम दब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तो यही सब टैक्स तुम्हें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यही सब माने ग्राउंड रे माने आमर से एरिया थे लोक मान टैक्स ग्रहण करें। टू ग्रांट्स द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिसीव ए नंबर ऑफ ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इट इज द मेन सोर्स ऑफ इट्स इनकम विभिन्न प्रकार ग्रांट्स गवर्नमेंट थ्रू निए जोटा कि मैं इनकम बड़ सोर्स गोटे। थ्री लोन्स द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैन रेज लोन बोथ फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ठारु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोन नहीं पारे। फोर्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अपार्ट फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ इनकम व्हिच यू मेंशनड अबव द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज आल्सो अदर सोर्स ऑफ इनकम दोज आर लाइसेंस फी इनकम फ्रॉम मीन्स ऑफ ट्रांसपोरेशन इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेंट फॉर रेंट फ्रॉम रेस्ट हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग देन इनकम फ्रॉम इंडस्ट्रीज एटसेट्रा तो जहाँ तो जितकी टैक्स टैक्स निए लोन करे गवर्नमेंट टू एड निए व्यतीत सी आ कौ कौ सोर्स रु इनकम करे जो आम गाड़ी मोटर लाइसेंस करुचे लाइसेंस फीस दौचे सेमती ट्रांसपोरेशन जहाँ सब जिनपत माल मानने ये करुचे पर ट्रांस आम दौचे टैक्स दौचे देन आम इलेक्ट्रिक सप्लाई टैक्स दौचे सेमती
ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସବୁ ଥାଏ ସେଠୁ ବି ସେମାନେ ବା ଯେଉଁଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ରହନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆମର ଅଦର ବିଲ୍ଡିଂ ସେଠୁ ବି ସେ ଇନକମ୍ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମର ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ସବୁ ଥାଏ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବି ସେମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଅନ୍ତି। ଆଫ୍ଟର ଦ 74th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଲେଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଲେଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଦ ରୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଦ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଆଫ୍ଟର 74th କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ୍ ହୁଇଚ୍ ଲେଷ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଦ ରୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଦ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ନେଚର ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ହୁଇଚ୍ ଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଲେଭି ଆଣ୍ଡ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ସରି ଆଣ୍ଡ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହୁଇଚ୍ କ୍ୟାନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଟୁ ଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଟୁ ଇନସ୍ୟୋର ସଚ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅଟୋନୋମି ଟୁ ଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଆଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ଇନେବୁଲ୍ ଟୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ଇଟ୍ସ ଫଙ୍କସନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନର। 74th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ପରେ ସବୁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ୍ ଗଢ଼ିବେ ଯେଉଁଟାକି ଡିସାଇଡ଼ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବ ଦ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍। ତ ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବା ତା ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍କୁ କ'ଣ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅଟୋନମି ବା ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ତା କାମ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ୱେରେ ଗୋଟେ ଫଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ୱେରେ କାମ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ବି ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଅର୍ ଅଧିସୂଚିତ ଖେଲରା ପରିଷଦ ଅର୍ ଓର୍ ନୋଟିଫାଏ ଏରିଆ କାଉନସିଲ୍ ବା NAC। ଦ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଆର୍ କ୍ରିଏଟେଡ଼ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଏରିଆ ଅର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଇନ୍ ଟୁ ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ଅର୍ ଦ ଇନ୍ ଦ ସ୍ମଲ ଟାଉନ୍ ସ୍ମଲ ଅର୍ବାନ ଏରିଆ। ଫର୍ ଦିସ୍ ପର୍ପଜ୍ ସେଭରାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଟୁ କନ୍ସିଡରେସନ୍ ଦ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଦେଆର୍ ଇନ୍ ଦ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲୋକାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଦ ଇକୋନୋମିକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଏରିଆ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଆମର ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଏରିଆ ବା ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ରୁରାଲ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି ରୁରାଲ ଏରିଆ ଇନ୍ ଟୁ ଅର୍ବାନ ଏରିଆକୁ ସେସବୁ ଏରିଆରେ କିମ୍ବା ସ୍ମଲ୍ ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଥାଏ। ତ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତା'ର କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଯେମିତି ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି କେତେ ପପୁଲେସନ୍ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆମର ମାନେ ରେଭିନ୍ୟୁ କେତେ କଲେକ୍ସନ୍ ସେ ଏରିଆରେ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ନନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବା କୃଷି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ କ'ଣ କାମ ସେଠି ସବୁ ହେଉଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କେତେ ସେଠି ମାନେ ସ୍କିମ୍ କେତେ ଅଛି ଆମର ଇକୋନୋମିକାଲି କେତେ ଡେଭଲପ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ତିଆରି ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଆର୍ ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଦେ ଆର୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ବାଇ ଦ ଦେ ଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଏରିଆ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍। ଫର୍ ଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଦ ହୋଲ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଆର୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ଇନ୍ ଟୁ ସମ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ମେମ୍ବର ଆର୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଦେନ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ। ଏଭ୍ରି ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ଟ ୱାନ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଦେ ଆର୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ବାଇ ଦ
इलेक्टेड मेंबर ऑफ नगर पंचायत द प्रेसिडेंट प्रिजाइड ओवर द मीटिंग देन रिजर्वेशन ऑफ सीट देर आर रिजर्वेशन फॉर द ऑफ द सीट फॉर द SSC OBC एंड द वुमेन तो क्राइटेरिया ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द सीट इज सेम एज पर ऑल अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस द नगर पंचायत परफॉर्म ऑल द सिविक फंक्शन फॉर इट्स एरिया इट परफॉर्म इट्स फंक्शन इट फॉर्मुलेट द प्लान एंड डेवलपमेंट फॉर इट्स एरिया तो नगर पंचायत मेंबर मानू डायरेक्टली इलेक्टेड हूँ बाय द भोटर ऑफ द एरिया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज तो इलेक्शन कौन हुए ना जो नगर पंचायत फुल एरिया किसी वार्ड में विभक्त हुए और प्रति वार्ड जन जन मेंबर को इलेक्शन द्वारा इलेक्ट करके निया जाए ऑल द डायरेक्ट मेंबर मिसिकी ऑल द डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर मिसिकी जन को प्रेसिडेंट आ जन को वाइस प्रेसिडेंट हिसाब से इलेक्ट करती तो अन्य गवर्नमेंट अन्य सब इंस्टीट्यूशन भाया एथे भी सीट रिजर्वेशन थाए का SC मानक आमर OBC आउ वुमेन मानक तो नगर पंचायत तार एरिया डेवलपमेंट काम करे आउ माने सब फंक्शन निज एरिया ही करे देन सी म्युनिसिपल काउंसिल द म्युनिसिपल काउंसिल इज मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट ईच स्टेट एस्टैब्लिश द म्युनिसिपल काउंसिल फॉर इट्स सिटी द नंबर ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल इज डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट तो आम जिते गुड़े अर्बन लोकल गवर्नमेंट पढ़ले से भितर म्युनिसिपल काउंसिल गोटे मोस्ट कॉमनली यूज एंड पॉपुलरली यूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट तो सब स्टेट गुड़ाक सिटी मानी म्युनिसिपल काउंसिल गढ़ी था नंबर स्टेट टू स्टेट भारी करे सब सामान न था निज एरिया अनुसार जियोग्राफिकल लोकेशन अनुसार समस्त म्युनिसिपल काउंसिल गढ़ी था देन कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल द मेंबरशिप ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ईच म्युनिसिपल काउंसिल द बेसिस इज ऑन द बेसिस द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द म्युनिसिपल एरिया एवरी म्युनिसिपल काउंसिल इज कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल एरिया सेकेंड ML हु रिप्रेजेंटिंग द एरिया इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर देन रिजर्वेशन ऑफ सीट देर इज रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द SC बैकवर्ड क्लास एंड वुमेन द रेशियो ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द SC इज इन प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन SC इन द म्युनिसिपल एरिया वन सीट्स आर रिजर्व फॉर द बैकवर्ड क्लास नो लेस देन 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर द SC आर टू रिजर्व फॉर द SC वुमेन 1/3 सीट्स ऑफ द 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट to be filled by the direct election in each municipal council including the number of seats reserved for the SC women stand reserved for the women next qualification the qualification for the membership of municipal council are a person must be the citizen of India His name should figure in the voter list of this area. He must at least be 21 year of age. He should not hold any governmental post that is office of profit. He should not be declared for disqualified for election.
देन 10 ईयर, द 10 ईयर ऑफ द इलेक्शन म्यूनिसिपल काउंसिल इज द 5 ईयर, द टर्म इज बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल. If for any reason the municipal council dissolve before the expiry of its term, then fresh election will be held within the 6 months of its dissolution. In this case, the new municipal council is work for the remainder of the old municipal council. However, if the remaining period of the dissolved municipal council is less than 6 months, then it is not necessary to hold any election. Then a new election is held for the municipal corporation and its term is whole 5 years. If in the opinion of government the municipal council is not able to perform its function persistence, if in the opinion of government, state government, if the municipal council is not able to function its perform its function appropriately or abusing its power, the government can dissolve the municipal council. However, the municipal council has given the reasonable opportunity for clarify itself. Then the president and vice president of the municipal council. The elected member of the municipal council are elect one member as the president and other as the vice president. The president of municipal council is convened the meeting of municipal council. The term of the office of municipal, the term of the president of the municipal council is equal to the term of the municipal council. However, he can leave the office by submitting the resignation on his hand. Except if the member of the municipal council can remove the president by passing a resolution by the support of one-third members. Support of two-third members. The fixed percent of the office of president of the municipal corporation of the state are reserved for the women. Meetings. The meetings of the municipal council are held once in a month and 12 times in a year. Except it like municipal corporation, the special meeting can be held for special reason. In next class, we will discuss the functions of moods.